और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की सियासत को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर सख्त हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, तल्ख लहजे में चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में बाकायदा नाराजगी जताई गई है, ये कहते हुए कि आलाकमान पंजाब की राजनीति में जबरन दखल दे रहा है। आलाकमान के फैसलों से पंजाब में पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब को आलाकमान नहीं समझ पा रहा, इसलिए उसे चाहिए कि पंजाब की सियासत में दखल ना दे। कैप्टन अमरिंदर दरअसल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सिद्धू को बनाए जाने से नाराज है और जो जानकारी मिल रही है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाना लगभग तय है। सोनिया गांधी और सिद्धू के बीच कल मुलाकात भी हुई थी, 50 मिनट तक की मुलाकात चली थी और उसके बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि हो सकता है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। पार्टी के दो फाड़ होने का संकट गहराता दिख रहा है। एक ओर सिद्धू गुट है तो दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट और दोनों तुरुप के एक के साथ सियासत के चौसर में दांव लगा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपने की अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बगावती तेवर दिखाते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी को ही चैलेंज कर दिया है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि कांग्रेस आला कमान जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दे रही है, जिससे बड़ा नुकसान होगा। अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी में लिखा है, पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं है और पार्टी में आलाकमान की ओर से किए जा रहे दखल और फैसलों का नुकसान आने वाले दिनों में पार्टी और सरकार दोनों को ही उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस आलाकमान को पंजाब राज्य को समझना चाहिए, आलाकमान को ये भी समझना चाहिए कि पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं है। अगर हाईकमान ने कोई ना कोई मन बनाया है तो उसका फैसला तो होना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए और लोग देख रहे हैं 2022 को लेकर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी देख रहे हैं हमने चुनाव लड़ना है और रिपीट करना है। कैप्टन का इशारा सीधे तौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग सीएम ने इस तरह की चिट्ठी लिखी है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को मोर्चा संभालना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी सियासी तकरार को खत्म करने के फॉर्मूले को लेकर हरीश रावत पंजाब जा सकते हैं, जहां अमरिंदर सिंह से उनकी मुलाकात होने की खबरें, जिसमें सरकार और पार्टी में फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, अभी किसी ने कोई ऐसी नाराजगी कम्युनिकेट नहीं की है और यदि कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के गलतफहमी होगी, कोई बात होगी, कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा तो मैं हूं ना उस काम के लिए, हम उस कम्युनिकेशन गैप को पाटने की कोशिश करेंगे। पंजाब में सियासी उथल-पुथल के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ही अमरिंदर ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी उनसे जाहिर की। कैप्टन नहीं चाहते कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसे में पंजाब कांग्रेस में दो फाड़ होने का खतरा है। आप देश संभालने के लिए आप अपने संभालने वाली अपना को राजनीतिक दल बोलते हैं, घर तो आपसे अपना संभाल नहीं रहा है। और वही मैं कहना चाहूँगी कि अब बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ये कि कप्तान साहब कैप्टन अमरिंदर साहब के की लीडरशिप के चलते इन लोगों ने पंजाब में जीत दर्ज करी थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है जो 12 जगहों पर राहुल गांधी जी ने प्रचार किया था वो सारी सीटें हारे थे ये लोग कांग्रेस पार्टी। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है, वहीं कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी में जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ही 2022 का मैच जीतेगी और 2022 के चुनाव में चौके छक्के मारेगी और अपने जो दूसरे विपक्षी दल हैं जो दिन में आज तारे देखने शुरू कर दिए हैं उनको क्लीन बोल्ड भी करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के ही नेतृत्व में 10 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। तब कांग्रेस पार्टी ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी और तब अमरिंदर ने मोदी लहर के बावजूद अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 18 सीटों पर ही समेट दिया था। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो बिना कैप्टन के कैसे अगला विधानसभा मैच खेलेगी। दिल्ली से रवि सिसोदिया और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।